हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन एंड वेयर वी यूज द प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मेक ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन, कि प्री और पोजिशन से मिलकर बना हुआ है। प्री मीन्स होता है पहले, कि जिसे हम बिफोर और बिगनिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस से पहले ही यूज होता है। हमें पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो प्रीपोजिशन टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और रिलेशन विद अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन होती है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट की पोजिशन बताता है और उसके साथ ही उस सेंटेंस में जो वर्ड के जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के साथ उसका क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये होती है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सेंटेंस है मिस ओक इज सीटिंग अंडर द ट्री, कि जो मिस ओक है वो पेड़ के नीचे बैठ रही है, ये पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, तो मिस ओक, तो मिस ओक सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ, ये क्या है प्री है, कि हमारा क्या है ये मिस ओक सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर पोजीशन बता रहा है, पोजीशन क्या है अंडर द ट्री, तो ट्री के नीचे बैठी है, तो ये अंडर इसकी क्या है पोजीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर इसने क्या बताया, मिस ओक और ट्री जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के साथ इसकी पोजीशन बताई, यहाँ पे क्या पोजीशन है और क्या इसकी जो सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर जो अंडर है वो क्या है, एक प्री पोजिशन है। ठीक है, जो पोजिशन दिखाती है इसके अंदर, तो प्री सब्जेक्ट प्लस पोजिशन। तो वेयर इज द पोजिशन ऑफ मिस ओक, तो यहाँ पे जो मिस ओक की पोजिशन हमारी क्या है अंडर द ट्री। ठीक है, तो अंडर इसकी जो पोजिशन है और जो द ट्री है वो हमारे यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे बताया है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के नीचे बैठी है, इसके अंदर ये इसका रिलेशन है, तो ये अंडर आ गया। तो अंडर क्या है इसके अंदर, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये इसकी पोजिशन शो कर रही है सब्जेक्ट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि सब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन, तो द पेन इज कैप्ट ऑन द टेबल, तो यहाँ पे द पेन है वो क्या है एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और पेन कहाँ पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, तो टेबल यहाँ पे क्या है एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के साथ पेन का जो रिलेशन है यहाँ पे क्या रिलेशन दिखा रहा है, कि जो पेन है वो किसके ऊपर रखा है ऑन द टेबल, तो ऑन यहाँ पर हमारी क्या है प्री पोजिशन है। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द पेन ऑन, ठीक है, ऑन द टेबल। उस तरह से अदर एग्जाम्पल है कि सम टाइम प्री पोजिशन टेल्स द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू हैव कैप्ट योर मनी इन द बैंक, जैसे कि आप अपने जो रुपए जो पैसे होते हैं उसको बैंक में रखते हो, तो यूअर मनी, तो आपकी जो मनी है वो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो व्हाट इज द पोजिशन ऑफ यूअर मनी, तो हमारे जो पोजिशन की जो क्या है मनी की पोजिशन, कि हम कहाँ रखते हैं उसको बैंक में रखते हैं, तो इसके अंदर क्या आ गया यहाँ पे इन, तो इन द बैंक, तो इन यहाँ पे क्या है प्री पोजिशन है। ठीक है, तो इसके अंदर इन द बैंक, तो इसके अंदर जो इन है वो हमारा प्री पोजिशन है, क्योंकि इन जो शो कर रहा है बैंक के साथ में रिलेशन, और किसका यूअर मनी की, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे क्या है प्री पोजिशन इन है। अब इसके अंदर यूजेज ऑफ द प्री पोजिशन, जो प्री पोजिशन ऑफ मोशन, अब देखो मोशन के अंदर कौन सी प्री पोजिशन यूज करेंगे, मोशन मीन्स आपको पता है कि गति है। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो उसके आप जो हिंदी में जैसे ही उसको ट्रांसलेट करोगे आप ऑटोमेटिक खुद ही उसका आंसर बता दोगे। तो यूज ऑफ द प्री पोजिशन मोशन में, यानी गति के अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, टू इंडिकेट मोशन, जो टू होता है वो इंडिकेट करता है मोशन को। फॉर एग्जाम्पल सी गोज टू स्कूल एवरी डे, कि वो प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। ठीक है, तो गोज टू स्कूल एवरी डे, कि गोज यानी कि जाना, गो, ठीक है, गो टू, गोज, वेंट वगैरह इस तरह से, तो ये क्या है जाना, तो वो जा रही है, तो इसके अंदर क्या है मोशन है, कि इसमें क्या है जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वहाँ पे क्या होता है उसमें मोशन हो रहा है, तो मोशन के साथ में हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज की, टू यूज की। ठीक है, तो मोशन के साथ में प्रीपोजिशन आएगी टू, यानी कि जहाँ पे गति हो रही हो, जो चल रहा हो, जो मोमेंट कर रहा हो। नेक्स्ट ही रिटर्न्स बैक टू हिज हाउस, ठीक है, इनकी रिटर्न्स बैक, वो वापिस आया, ठीक है, अपने घर, तो इसमें भी क्या आ गया टू, बिकॉज वापिस आया तो वो चल कर आया ना, तो चल के आने के बाद उसमें क्या हुआ मोशन हुआ, इनकी तो मोमेंट हुआ वहाँ पे, उसमें मोशन हुआ, तो मोशन है, तो मोशन के साथ में हमारी प्रीपोजिशन कौन सी है टू है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगी टू आएगी। तो इन प्लस टू इन टू,
तो इन क्या है, इनसाइड किसी भी चीज़ के अंदर जो हम कुछ यूज करते हैं, कुछ डालते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, पुट इन टू, इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो इनसाइड के लिए हम यूज करते हैं इन, और टू मोशन, टू के लिए यूज करते हैं हम, टू यूज करते हैं मोशन के लिए। तो द टाइगर गोज इन टू द जंगल, कि जो टाइगर है वो जंगल में गया, ठीक है। तो कहाँ गया, इन टू द जंगल, जंगल के अंदर गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन टू, यानी कि कोई भी चीज़ है जो किसी के कोई भी चीज़ के अंदर जो जाना है, तो उसके अंदर इन टू यूज होगा। जैसे हम बोलते हैं कि थ्रो इन टू डस्टबिन, ठीक है, तो हम डस्टबिन के अंदर डालते हैं उसकी तरफ, यानी कि क्या है, कवरिंग है साइड चारों तरफ, तो उसमें क्या है, इसमें इन टू। उसी तरह गो टू स्कूल कहते हैं, तो उसमें क्या है, वो मूवमेंट करके चल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे इन टू द रूम या इन टू द वेल, ठीक है, इन टू द जंगल, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनसाइड के अंदर है, इनसाइड और मोशन दोनों हो रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इनसाइड और प्लस मोशन, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे इन टू प्रीपोजिशन, ओके। नेक्स्ट है ऑन टू, ऑन टू, टू का हमें पता है मोशन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मोशन तो पक्का कंपलसरी होगा। नेक्स्ट है ऑन, ऑन का यूज, यानी कि कोई भी जो मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर कम्स और स्टे, यानी कि आ रहा है या ठहरा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑन टू यूज होगा। जैसे इनसाइड के अंदर इन और टू, इनसाइड वाले मोशन के अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर कम्स और स्टे वाले मोशन में ऑन टू यूज होगा। तो एनी बॉडी और एनी थिंग्स, कोई भी बॉडी या कोई थिंग्स विद मोशन कम्स और स्टे। फॉर एग्जाम्पल द माउस जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कि जो चूहा है वो टेबल के ऊपर कूदा। तो देखो चूहे ने क्या किया, मोशन किया, उसके अंदर मोशन हुआ और कूदा कहाँ पर, टेबल के ऊपर, यानी कि ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर कूदा वहाँ पे, तो ऑन आ गया, ठीक है। तो मोशन का क्या हो गया, टू हो गया, तो क्या आ जाएगा, ऑन टू, ठीक है। इसके अंदर तो यानी कि वन टेबल टू अदर वंस, इसमें तो अप प्लस टू, अप टू का भी इसी तरह कि ऊपर और टू का मोशन, द मोशन फ्रॉम द डाउन टू अप एंड देन स्टे एट ए प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ए कैट क्लाइंब अप टू द ट्री, कि जो बिल्ली है वो पेड़ के ऊपर चढ़ी, तो उसमें क्या हुआ, अपर की साइड यानी कि ऊपर चढ़ी। तो इसके अंदर हमें पता है कि जैसे किसी के ऊपर, जैसे ट्री के ऊपर हम अप यूज करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कुछ बैठता है, रखता है उसके ऊपर, तो वहाँ पर हम ऑन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्री, जिसमें क्या यूज किया हमने, अप, तो अप टू, तो कैट क्लाइंब अप टू, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अप टू प्रीपोजिशन यूज होगी, ठीक है। कि जो हमारा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मोशन के अंदर केवल जहाँ पे मोशन हो रहा है ओनली टू यूज होगा, और इनसाइड मोशन अंदर की तरफ जैसे कोई जा रहा है उसके अंदर इन टू यूज होगा, और ऑन टू किसी के ऊपर यानी कि कम्स एंड स्टे, ऊपर आया और वहाँ पे ठहरा, ठीक है। तो कम्स और स्टे, तो ऑन टू यूज होगा, और अप और टू यूज होगा कि डाउन टू अप एंड देन स्टे एट ए प्लेस, यानी कि ऊपर की तरफ आया और वहाँ पे फिर उस स्थान पर जो बैठ गया, ठीक है, या फिर वहाँ पे उसके अंदर क्या हो जाएगा, अप टू यूज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सिंस, फॉर एंड बाय, ठीक है, ये तीनों ही जो समय को दर्शाती है। अब समय देखो, एक घड़ी में भी समय होता है, एक हम जो मंथ भी समय बोलते हैं कि महीना, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, ठीक है, वन ओ क्लॉक हो गया, टू ओ क्लॉक हो गया, या सिंस 96, 97, 98, इस तरह से जो हम सेंचुरीज वगैरह, तो ये सभी क्या है, जो टाइम है। तो सिंस, फॉर और बाई, ये प्रीपोजिशन हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो सिंस एंड फॉर आर यूज इन द परफेक्ट टेंस ओनली, कि जो सिंस और फॉर का यूज हम करेंगे परफेक्ट टेंस, और जो परफेक्ट टेंस में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड यूज होती है, ठीक है, उस वाले के अंदर यूज करते हैं। तो सिंस देखो कहाँ पे यूज होगा, कि पॉइंट ऑफ द टाइम, या फिर जहाँ पे टाइम का मेन पॉइंट होगा, इनकी 5 o'clock संडे 1996 जनवरी, किसी भी इनकी मंथ का नाम आ गया, ठीक है, कोई भी सन दे दिया, उसके अलावा वीक नेम, और जो 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इनकी टाइम शो किया, तो वहाँ पे इनकी जो पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का जो पॉइंट शो कर रखा है, वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर, फोर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के जो एक सारणी दे रखी हो, ठीक है, यूनिट के साथ, जैसे 1 hour, 1 week, 1 year, 1 month, यहाँ पे परफेक्ट नहीं बता रखा कि कौन सा यहाँ पे मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, ओनली ये बता रखा है 1 month, 1 month, कोई भी हो सकता है, 1 साल, यानी कि 1 year, एनी 1 year, 1 week, एनी 1 week, ठीक है, 1 hour, एनी 1 hour, कोई भी 1 hour, तो यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोर यूज करेंगे, और सिंस के अंदर पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का एग्जैक्टली टाइम बताया हुआ रहेगा,
ठीक है इसके अंदर, तो वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाई, बाई प्लस टाइम, ये हमारा यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है, कि जहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पे बाई प्लस टाइम, कि टाइम के साथ में बाई यूज करेंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम सिंस, ठीक है, लास्ट मंथ, ठीक। तो इसके अंदर देखो, सी हैड स्टार्टेड, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सिंस और जो फोर का यूज था यहाँ पे परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट मैंने बताया था हैज, हैड जो हैड आ जाता है वहाँ पे, तो फर्स्ट तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है इसके अंदर, तो यहाँ पे सिंस यूज हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, लास्ट मंथ, तो पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके अंदर क्या दे रखा, पॉइंट दे रखा टाइम का, लास्ट मंडे है ये, लास्ट मंडे, इसने जो मंडे दिया हुआ है कि लास्ट मंडे को, तो पॉइंट बताया हुआ है कि मंडे को, ना कि इसने यू कहा है कि वीक है, कौन सा वीक है, ठीक है। तो लास्ट मंडे, तो इसमें टू पॉइंट्स हो गए, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, सेकंड पास्ट परफेक्ट भी इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या यूज हुई प्रीपोजिशन हमारी, जो सिंस यूज हुई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, ठीक है, कि आप 2 घंटे से लेटर लिख रहे हो, ठीक है, इनकी लिख चुके हो, तो इसके अंदर क्या है, फॉर 2 hours, 2 hours है, इसमें पीरियड्स ऑफ टाइम बता रखा है, 2 hours बता रखा है, ये नहीं बोल रखा कि 2 o'clock, 3 o'clock टाइम, अब ये नहीं पता कि जो फिक्स 2 hours है कौन सी 2 hours है, मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, या कौन सा टाइम है इसके अंदर, तो ओनली पीरियड्स ऑफ टाइम दे रखा है, तो इसके अंदर क्या यूज किया हमने, फोर यूज किया, तो यहाँ पे 4 आया, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है यहाँ पे, क्योंकि सिंस और फोर का जो परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है, तो मेन इसके अंदर, और पॉइंट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाई 1999, देखो दे विल हैव कंप्लीटेड, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे विल आ गया, अब विल हमें पता है कहाँ पे यूज होता है, फ्यूचर टेंस के अंदर यूज होता है, और हैज है वो हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो ये कौन सा टेंस बन गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या है यहाँ पे, 99, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम, टाइम भी दिया हुआ है और प्लस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है, तो हमारा जो बाई का यूज क्या था कि उसमें कि टाइम होगा, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में, ठीक है, यानी कि बाई प्लस टाइम, कि बाई होगा टाइम के साथ, और जो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया और प्लस में पॉइंट ऑफ द टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, कि दे विल हैव कंप्लीटली द वर्क बाई 1999, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, माई ब्रोदर हैज सॉल्व हिज प्रॉब्लम सिंस जनवरी, देखो सिंस जनवरी, परफेक्ट इसने जो फिक्स टाइम बताया है कि जनवरी मंथ से, ठीक है इसके अंदर, तो पॉइंट ऑफ द टाइम भी है हमारा, और हैज सोल, हैज हमारा परफेक्ट जो टेंस भी है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिंस। अगर मान लो यहाँ पे सिंस नहीं आता, मंथ आता ओनली, या ईयर आता, या वीक आता, तो यहाँ पे फोर का यूज होता, बट यहाँ पे क्या दिखा रखा है, मंथ मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, यू हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 10 minutes, ठीक है इसके अंदर, अब देखो फॉर 10 minutes, अब वही है इसके अंदर, 10 minutes क्या है, पीरियड्स ऑफ टाइम है, यहाँ पे पीरियड्स ऑफ टाइम दे रखा है, पता नहीं कौन सी 10 minutes है, और दूसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो सिंस और फोर दोनों के अंदर यूज होता है, लेकिन मेन पॉइंट हमें क्या पकड़ना है यहाँ पे, कि जो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे ओनली फोर, ठीक है, फोर का यूज होगा यहाँ पे। तो ये हमारी प्रीपोजिशंस थी, सिंस, फॉर और बाई। नेक्स्ट आती है बिटवीन एंड अमंग। अब देखो बिटवीन और अमंग दोनों का ही जो मीनिंग होता है सेम होता है, बीच में। अब हमें ये देखना है कि बिटवीन कहाँ यूज होगा और अमंग कहाँ यूज होगा। तो बिटवीन का यूज होगा 2 person के साथ में, जैसे 2 person है उसके बीच में कोई बैठा है या कोई थिंग है, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। और जहाँ पे बहुत सारे लोग है, कोई 1 person है जो ग्रुप के बीच में बैठा है या किसी पार्टी में बैठा है, ठीक है, किसी रैली वगैरह के अंदर, तो उसमें हम अमंग यूज करेंगे। जैसे बिटवीन इन द मिडिल ऑफ 2 persons थिंग्स एक्सेट्रा, कि जो मिडिल में हो किसी भी 2 person या थिंग के बीच में, तो बिटवीन यूज होगा। और अमंग मोर देन 2 person, यानी कि 2 person या 2 वस्तुओं से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे अमंग यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल,
राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता, ठीक है, राधा सीता और गीता के बीच में बैठी है। तो देखो सीता और गीता, तो यहाँ पे क्या है, टू पर्सन, दो पर्सन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बिटवीन प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है, इसके अंदर कि जो टू पर्सन के बीच में कौन बैठी है, राधा सीटिंग द टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन। तो इसके अंदर क्या है, राधा इज सीटिंग बिटवीन टू सीता एंड गीता। तो इसके अंदर क्या यूज किया हमने, बिटवीन यूज किया। नेक्स्ट अमंग का देखते हैं, अब अमंग का यूज होगा, पॉलिटिशियन इज स्टैंडिंग अमंग द फोर गार्ड्स, कि जो पॉलिटिशियन जो नेता है वो चार गार्ड के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे देखो टू और मोर पर टू सॉरी मोर देन टू पर्सन, यानी कि दो से ज़्यादा पर्सन आ गए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आता बिटवीन टू गार्ड्स, इसमें टू गार्ड्स होता तो हम बिटवीन यूज करते, लेकिन मोर देन टू तो फोर गार्ड्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग अमंग आएगा, ठीक है। तो इनकी क्या हो गया यहाँ पे, मोर देन टू पर्सन। नेक्स्ट, माई बंगला इज लोकेटेड बिटवीन द हॉस्पिटल एंड स्कूल, यहाँ पे देखो हॉस्पिटल और स्कूल के बीच में है, ये दो प्लेस है यहाँ पे, ओनली टू प्लेसेज है। और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, एक हॉस्पिटल है और एक स्कूल है, यहाँ पे उन दोनों के बीच में ये बंगला लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बिटवीन होगा। द चेयर इज कीप अमंग सो मैनी टेबल्स, बहुत सारी टेबल के बीच में क्या रखी, चेयर रखी है, लेकिन टेबल की काउंटिंग नहीं है, कितनी टेबल है। तो वहाँ पे टू तो है नहीं, तो मोर देन टू है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा, ठीक है। तो अमंग और बिटवीन का, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एट, एट का यूज यानी कि टाइम और प्लेस। टाइम पे एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फेस्टिवल, किसी भी यानी कि टाइम ऑफ द पॉइंट, जहाँ पे टाइम का पॉइंट दे रखा और फेस्टिवल, याद रखना जो हम सिंस पढ़ के आए थे उसके अंदर भी टाइम ऑफ द पॉइंट दे रखा था, लेकिन जो सिंस वाला है उसके अंदर क्या है, जो सेंटेंस में वर्क चलेगा वो एक्शन के साथ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओनली टाइम शो करेगा, यहाँ पे कोई एक्शन के दौरान यानी कि कोई भी काम वगैरह नहीं होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे था कि माई ब्रोदर हैज सोल्व द प्रॉब्लम सिंस जनवरी, ठीक, एक्सीज इज सिंगिंग सॉन्ग फॉर टू हावर्स, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली सिंपल सेंटेंस रहेगा, पॉइंट शो करेगा ऑफ टाइम, टाइम का, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एट फाइव ओ क्लॉक, ठीक है, कि पाँच बजे की। नेक्स्ट, जैसे कि ही कम्स एट फाइव ओ क्लॉक, वह पाँच बजे आएगा, ही विल कम फाइव ओ क्लॉक, इस तरह से। और फेस्टिवल एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली, एट रक्षाबंधन, इस तरह से किसी भी फेस्टिवल का नाम आ जाएगा तो उससे पहले भी हम एट लगाएंगे। नेक्स्ट, प्लेस के लिए, जैसे स्मॉल टाउन, कंट्री, सिटी एरिया, फॉर एग्जांपल एट आंध्रा, एट मुंबई, ठीक, इस तरह से कोई भी स्थान आ गया, प्लेस आ गया, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन, इन का यूज कि टाइम और प्लेस। इन पार्ट ऑफ डे, सेशन, सीजन, ईयर, मंथ्स एक्सेट्रा, कि जो पार्ट ऑफ डे, दिन के जो पार्ट हो गए, सीजन हो गए, और ईयर्स और मंथ्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल सी ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि वह ब्रेकफास्ट करती का इन द मॉर्निंग, उसने ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन द मॉर्निंग, टाइम बताया इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या यूज किया, इन। प्लेस के अंदर इन द बिग टाउन, यहाँ पे बिग टाउन, लार्ज एरिया, कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज, यहाँ पे देखो एट का था स्मॉल टाउन, स्मॉल कंट्री, ठीक है, और स्मॉल सिटी एरिया, और यहाँ पे है बिग। फॉर एग्जांपल सी स्टे एट अंधेरी इन मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंधेरी इन मुंबई, अब मुंबई क्या है, बड़ी सिटी का नाम है, ठीक है, और जो अंधेरी है वो छोटी का, तो अंधेरी से पहले क्या लिखा है यहाँ पे, इलाके एरिया का नाम है यहाँ पे, सिटी एस सिटी एरिया, तो यहाँ पे हमने एट यूज किया। लेकिन मुंबई क्या है, एक बिग, जो यानी कि लार्ज एरिया है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या क्या यूज किया हमने, इन यूज किया, ठीक है, यहाँ पे, तो इन प्लस मेट्रोपॉलिटन सिटी इसके अंदर। तो ये हमारी प्रीपोजिशन बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, बाय, एट, इन और ऑन टू, इन टू, ये हो गई। जो नेक्स्ट है हमारी जो प्रीपोजिशन, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन दैट कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर, जो भी है, ऑफ ऑफ, ठीक है, सेम वर्ड्स की। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।